स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे शरद जोशी का प्रसिद्ध व्यंग उधार का अनंत आकाश। कृपया इस व्यंग को आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर पढ़ें, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। उधार लेना एक कला है और उसे नहीं लौटाना उससे भी बड़ी कला है। इसमें परस्पर बीए एमए का संबंध है। जो बीए करता है फिर एमए कर ही लेता है। जो उधार लेता है वह धीरे धीरे उसे नहीं लौटाना भी सीख जाता है। एक साधना है, जो सिद्ध हुआ उसका जीवन सफल है। सतत प्रयास, सूझबूझ, धैर्य, मधुर भाषण और अद्यवसाय से आदमी उधार लेने और न लौटाने में कुशल हो जाता है। सभ्यता का विकास परस्पर उधार की कहानी है। पशु एक दूसरे से उधार नहीं लेते। उधार के मूल में एक गहरा दर्शन है। क्या है मैं नहीं कह सकता, पर है। जो गुण हमारे निजी और राष्ट्रीय जीवन की विशेषता हो गई है उसके मूल में जरूर कोई दर्शन होगा। उधार लेना ही मनुष्य की आशावादिता का प्रमाण है। जो जीवन से निराश है वह तो आत्महत्या करेगा, पर जो आस्था रखता है वह उधार लेगा। यह समाज, यह सारा जीवन उस पर टिका हुआ है। मानव जाति दो भागों में बटी है, वे जो उधार देते हैं और वे जो उधार लेते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सारी बड़ी छोटी खाइयाँ उधार के छोटे मोटे पुलों से बंधी हैं। जब ये पुल टूट जाएंगे आदमी अकेला हो जाएगा। उधार लेने की शक्ति ही मूल जीवन शक्ति है। जो उधार लेने में थक चुके हैं, मैदान छोड़ गए हैं, वे जीवन की व्यर्थता भा समझ गए हैं। कुछ सिर्फ इस भ्रम में जी रहे हैं कि वे उधार वसूल कर लेंगे और कुछ तय किए हुए हैं कि मरते दम तक नहीं देंगे। उनका जीवन सफल है, पर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के नाम कुछ कर्ज छोड़ गई है और हर नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी का कर्ज चुकाने से साफ इनकार कर दिया है। मूल्य बदल गए हैं, अतः भाड़ में जाओ। कौन देता है गालिब जो उधार की पी गए, वह क्या बात के शायरों ने चुकाई होगी? बिल्कुल नहीं। उधार नहीं लौटाना परंपरा से विद्रोह है। परंपरा है उधार देना, विद्रोह की भी चूंकि एक परंपरा चली आई है। अतः हाथ फैलाने, मुट्ठी बांधने और अंगूठा दिखाने का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हम सिर से पैर तक कर्ज में डूबे रहते हैं, पर क्या मछली को आप पानी में डूबी कह सकते हैं? वही तो उसका जीवन है। हमें कर्ज इस पानी से निकाले तो हम तड़पने लगेंगे, हम फिर पानी में कूदेंगे यानी कर्ज ले लेंगे। कोई भी उधार कुछ विशेष संदर्भ में उधार रहता है, नए परिप्रेक्ष्य में वह उधार नहीं रहता। उधार लेने वाले ही जीवन में कुछ कर सके हैं, इतिहास में उनका ही नाम प्रसिद्ध है। उधार लौटाने वाले परिहास के पात्र हैं। वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयास करते हैं। उधार ही वह धारा है जो सतत आ रही है और हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के खेत उससे लहलहा रहे हैं। यह जीवन धारा है। इस देश में उधार के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां हैं क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास है। आदमी जानता है कि अगर इस जन्म में नहीं चुका सके तो अगले जन्म में चुका देंगे। ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी किस धर्म में मिली होगी? आस्था स्थायी पूंजी है जो अमर है। इसकी साख पर हम कोई भी सौदा कर सकते हैं। शरीर एक बटुआ है जो सिक्के लेता देता रहता है। महत्व बटुओं का नहीं, उस लेन देन की प्रथा का है। प्रथा बनी रही तो बटुए तो नए आते रहेंगे। कुछ लोग कर्ज का भार मानते हैं, वे खुद को धोखा देते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि वे शरीफ हैं क्योंकि वे कर्ज का भार मानते हैं। अपनी शराफत का प्रदर्शन कर वे और उधार लेना चाहते हैं। आदमी लाइट वेट चैम्पियन से ही हैवी वेट चैम्पियन बनता है। आज जिसने 100 रुपया कर्ज लिया है वही कल 1000 रुपये उधार लेगा।
कर्ज आदमी को उत्साहित करता है, वह भार नहीं है, वह तो गैस का बड़ा गुब्बारा है जो हमें भूमि से आकाश की सैर कराता है। गुब्बारा कितना भी बड़ा हो भार नहीं होता। उधार लेने वाला अनबेसी होता है और अनबेसी ही उधार ले सकता है। हमारे देश के वित्त मंत्रालय को कोलंबस की प्रतिभा लगानी चाहिए, वह अमेरिका नहीं खोजता, हम कहाँ से कर्ज लेते। यो भी कर्ज में दबा आदमी नई गलियाँ नई सड़कें खोजता है, उन नए मार्गों से वह नए उधार प्राप्त करता है, यही विकास है। हम भी नई राय खोजेंगे क्योंकि पुरानी राहों से गुजर मुश्किल है। इसे नीति का परिवर्तन कहिए या समय की मांग। विस्फारित दृष्टि, हम संसार की ओर देख रहे हैं और हमें संभावनाओं से परिपूर्ण देश और द्वीप नज़र आते हैं। उधार की सीमा आकाश है, चांद है, तारे हैं, हमें मिलेगा मिलता रहेगा। देखो वह चांद की ओर एक रॉकेट चला, कोई इसमें हमारे वित्त मंत्री को बिठा दे, वे कुछ लेकर आएंगे। ओहे, यह सृष्टि कितनी सुखमयी है, यह आकाश कितना असीम फैला है, और फिलहाल हमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा कर्ज चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपसे आपको यह बैंक अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह बैंक अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों परिवारों में व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। तब तक और बैंक तथा कहानी पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।